सभी लोग यहाँ पे खेल रहे हैं। दोस्तों देखिए मेरे गांव में यहाँ पे परम कबाड़ा जा रहा है, आप शायद परम को जानते होंगे, इसको बोलते हैं परम। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं कुछ दिनों के लिए दिल्ली गया था और मैं दिल्ली से फिर से मैं अपने सुंदर गांव में मैं वापस आ गया हूँ। और आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को अपने गांव की चीज़ों को दिखाऊंगा कि मेरे गांव में किस प्रकार के खेत हैं, खलिहान हैं, बगीचा हैं, स्कूल हैं, मंदिर है और कुछ भी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ब्लॉगिंग करना मैंने अभी शुरू किया है तो आप थोड़ी सी सपोर्ट तो कर ही सकते हो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मैं अपने गांव की चीज़ों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं अपने गांव के बगीचे में पहुंच चुका हूं। तो देखिए यहां पे कितने सारे हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। अभी गर्मी का मौसम आने वाला है तो हम लोग अक्सर दोस्त लोगों के साथ यहीं पर आकर मनोरंजन किया करते हैं। और जब स्कूल में थे तो गर्मी की छुट्टी होती थी तो यहीं पर ही आकर अक्सर हम लोग खेलते रहते थे। तो चलिए आज मैं आप लोगों को अपने गाँव के बगीचे को दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे कितनी ठंडी ठंडी हवा लगती है, कितने सारे आम के पेड़ लगे हुए हैं और कुछ लोग बैठकर यहाँ मनोरंजन कर रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद अलग ही फीलिंग आती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है और गर्मी के मौसम में तो मज़ा ही आ जाता है। देखिए दोस्तों ये है मेरे गांव के सागवान का बगीचा, यहाँ बहुत सारे सागवान के पेड़ लगे हुए हैं। सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है। दोस्तों ये है मेरे गांव का खेत खलिहान। अभी मैं अपने गांव के खेत को घूमने के लिए आया हूं। देख सकते हैं मेरे गांव में अभी गेहूं का पौधा लगा हुआ है। हाय गाइस, तो दोस्तों जिस बगीचे में अभी गया था वो बगीचा बाहर से दिखने में कितना सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हैं पीछे दिखाए जो बगीचा दे रहा है वही बगीचा में मैं अभी कुछ देर पहले गया था। बाहर से दिखने में एकदम सुंदर लगता है। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है। देखिए दोस्तों ये है सरसों का पौधा जो कि अभी तैयार हो रहा है और कुछ कुछ खेत में तो ये तैयार हो गया है और इसको काटने वाले हैं। आपको मैं दिखाता हूँ जो सरसों पक गया है उसको काट लिया जाएगा। तो देखिए पीछे दिखाई दे रहा है सरसों जो कि पूरी तरह से तैयार हो चुका है। चलिए मैं इसको आपको दिखाता हूँ। और पीछे जो लगा हुआ है मसूर है, चना है और उधर साइड में धनिया का पौधा लगा हुआ है। देखिए दोस्तों ये सरसों का पौधा जो कि अब लगभग तैयार हो चुका है, इसको अब काट लिया जाएगा। तो ये है धनिया का पौधा, धनिया के खेत के पास अभी हम आए हुए हैं। देखिए दोस्तों मैं अपने दोस्त के साथ में खेत घूमने के लिए आया हूँ, आप लोगों को अपने गांव के खेत खलिहान को दिखाने के लिए। देखिए खेत के बीच में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहीं से कनेक्शन बिजली का कनेक्शन लेकर शायद लोग खेत में पानी डालते होंगे, मुझे पता नहीं। तो देख सकते हैं खेत खलिहान किस प्रकार का, और ये बगीचा बाहर से दिखने में ऐसा लग रहा है जिस बगीचे में मैं अभी गया था। और किसी को एक तीसी का पौधा है, तीसी का तेल होता है शायद, उसको कैसा होता है पकड़ कर बताओ। यह है तीसी का पौधा। तो देखिए कुछ मेरे दोस्त लोग खेत से काम करके घर वापस जा रहे हैं, बगीचे से होकर रास्ता है तो यहीं से घर वापस जाते हैं खेत आने के बाद, आप देख सकते हैं। गाइस देखिए यह है मेरे गांव का पोखर, इसी को हम लोग अपना फील्ड मानते हैं और इसी में कभी कभी आकर क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। साइड में जाकर उधर हम लोग पिच बनाकर क्रिकेट ग्राउंड बनाकर उधर खेलते रहते हैं। तो यही है मेरे गांव का फील्ड जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसे।
थी जीत, अब चाहे जिंदगी। देखिए दोस्तों, ये अभी अपने खेत से काम करके घर आ रहे हैं। ये है मेरे दोस्त राजीव कुमार, अपने माथे पे खेत से पाइप लेकर आ रहे हैं, जो कि खेत में पानी डालने के लिए यूज करते हैं। बेचारे बहुत मेहनती हैं। तो राजीव से हम आग्रह करते हैं कि एक बार मेरे दोस्तों के हाय बोल दीजिए। हाय गाइस। देखिए दोस्तों, शाम का माहौल है अभी, और यहाँ पे शाम में कुछ बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, आप देख सकते हैं। देखिए सब दोस्त यहाँ पे आए हैं, तो सब बच्चे लोग कितने खुश है। सभी लोग यहाँ पे खेल रहे हैं। दोस्तों देखिए, मेरे गांव में यहाँ पे परम कबाड़ा जा रहा है। आप शायद परम को जानते होंगे, इसको बोलते हैं परम। देखिए वही यहाँ पे परम निकाला जा रहा है, इसको खाते हैं। सजा है, हम हैं बाजारों के। अब मैं आप लोगों को अपने गांव के स्कूल की तरफ ले चलता हूं। देखिए मेरे गांव का स्कूल कैसा है, तो चलिए चलते हैं स्कूल। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं अपने गांव के स्कूल के पास। देखिए यही है मेरे गांव का स्कूल, जिसका नाम है मध्य विद्यालय जगदीशपुर। तो आप मेरे गांव के स्कूल को पूरा देख लीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी यही स्कूल में बचपन में एक दो साल मैं यहाँ पे अपना पढ़ाई किया था, और यहाँ पे भी लोग सर बहुत पीटते थे। देखिए अभी मैं आ चुका हूँ अपने स्कूल के बरामदे में। यह है स्कूल का बरामदा। देखिए स्कूल के पास में ही एक मंदिर है गांव में, छोटा सा, देख सकते हैं। दोस्तों मेरे गाँव में एक बहुत बड़ा सा मंदिर भी है, तो चलिए मैं अपने गाँव के मंदिर को भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है। तो दोस्तों यही है मेरे गांव का मंदिर, जहां पे लोग रोज़ दिन सुबह शाम आकर पूजा करते हैं। तो देखिए अभी दोस्त एक लड़का मंदिर का दरवाज़ा खोला है, देखिए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। एक छोटा सा इधर साइड में मंदिर है, इसको भी मैं दिखाता हूँ। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे ऊपर भी अपना प्यार दिखाते रहें। थैंक यू।